Assalamu alaikum students of 3 class, also you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher, welcome back. So today we are going to write our next question answers on our science notebook. So open your science notebook, index page. First of all students, you have to mention the serial number, which is 14, and the date is 27, 5 and 21. Unit number will be 7 and question number will be 2 and 3, which will be on page number 25. You have to mention your respective page number here. Students, page ready karte hain. So first of all, you have to mention the day, which is Thursday, and the date is 27, 5 and 21. यूनिट मेंशन करें, यूनिट नंबर 7 टॉपिक है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर हम लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए हम जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है राइट 3 सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो. स्टूडेंट, 3 सेफ्टी रूल्स हमने लिखने हैं जिन्हें जो है हर सूरत हमें फॉलो करना चाहिए. तो क्योंकि हम जो हमारा जो चैप्टर है वो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है, तो हमने इसमें डिफरेंट सेफ्टी रूल्स पढ़े थे कि घर में अगर हम हैं तो कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, प्लेग्राउंड में किन रूल्स को फॉलो करना है, और इसी तरह से स्कूल में किन रूल्स को फॉलो करना है. तो चलें अब इसका आंसर लिख लेते हैं हम. स्टूडेंट्स, आंसर है हमारे पास बी वेरी केयरफुल अराउंड द गैस स्टोव, के जो चूल्हे होते हैं गैस के चूल्हे, उनके इर्द गिर्द आपने क्या करना है, एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है, आपने जब वो चल रहे हों तो आपने उनके पास नहीं जाना. सेकंड हमारे पास है डोंट लाइट मैचेस. तो स्टूडेंट्स, जो मैच बॉक्स होता है आपका, उससे कोई काम नहीं है, तो आपने कभी भी मैच बॉक्स को हाथ नहीं लगाना और ना ही मैच स्टिक्स को जो है वो आपने जलाना है. स्टूडेंट, थर्ड वन हमारे पास है डोंट टेक मेडिसन ऑन योर ओन. तो कभी भी आपने जो मेडिसन, जो दवाइयाँ होती हैं, वो आपने खुद से नहीं लेनी, ठीक है. आपने अगर आपको कहीं पेन है, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो आपकी मामा आपको देंगी, ठीक है. आपने खुद से कभी भी मेडिसिन को हाथ नहीं लगाना और कभी भी उसको नहीं यूज़ करना. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, लिस्ट टू सेफ्टी रूल्स यू मस्ट रिमेंबर वाइल प्लेइंग, कि जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर उस टाइम आपको किन सेफ्टी रूल्स का जो है वो ख्याल करना चाहिए, मतलब आपको कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आपने खेलना है तो खेलते हुए क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, ठीक है. और जो भी आपने गेम खेलनी है, आपने उस गेम के सबसे पहले रूल्स देख लेने हैं कि इस गेम को खेलने के रूल्स क्या हैं, ताकि आप उस गेम को खेलते हुए रूल्स को फॉलो कर सको, ठीक है. और कभी भी खेलते हुए आपने एक दूसरे को धक्का नहीं देना, ठीक है. उससे ये हो सकता है कि जो अगर आप किसी को धक्का दोगे वो गिर जाएगा और वो इस तरह हर्ट होगा, ठीक है. आपने इन बातों का ख्याल करना है. तो चलें अब इसका आंसर लिख लेते हैं. स्टूडेंट्स, आंसर है हमारे पास ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. हमेशा क्या करना है, आपने गेम के रूल्स को फॉलो करना है. और सेकंड है हमारे पास डोंट फाइट और पुश अदर्स वाइल प्लेइंग. जब आपने खेल रहे होना है तो उस टाइम आपने लड़ाई नहीं करनी और आपने दूसरे किसी इंसान को, यानी जिसके साथ आप खेल रहे हो, उसको आपने धक्का नहीं देना, ठीक है. ये थे हमारे पास रूल्स. जब आपने खेलना है तो आपने इन दो रूल्स को फॉलो करना है, और जो ऊपर वाले हमारे पास 3 रूल्स हैं उनको आपने मस्ट फॉलो करना है जब आप अपने घरों में होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद है आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो है वो लिखने के बाद अच्छे से याद कर लेंगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.